ॐ नमश्चण्डिकायै पराम्बायै नमः। नवरात्र के दूसरे दिन पराम्बा भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना शुभ कार्य होती है। चंद्रघंटा यानी जिसने घंट आकार चंद्र अपने मस्तक के ऊपर धारण किया हुआ है, ऐसी माँ भगवती कथा बहुत ही रोचक है। जब तप करने के बाद भगवान शंकर जी बारात लेकर हिमालय के चौखट पर पहुंचे और ये तो महादेव है और महादेव जी के परिवार में कौन भूत है, प्रेत गण है और ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी संसार की चिंता नहीं है और स्वयं महादेव जी ने भी अपने शरीर पे बस भरमाया हुआ है और महाभयंकर रूप है और हमें भी आश्चर्यचकित होता था कि लोगों की बारात में फूल और हमारे बाबा की बारात में भस्म है। लोगों की बारात में शहनाई और हमारे बाबा की बारात में त्रिशूल, चिमटे, शंख ध्वनि ये बज रहे हैं और इस भयंकर रूप को देखकर हमारी परम्बा भगवती के परिवार के सब सदस्य आश्चर्यचकित हो गए और इस आश्चर्यचकित स्थिति को शांत करने के लिए पराम्बा भगवती ने अपना इस मूल रूप को धारण किया। इस मूल रूप को धारण करके अपने मस्तक के ऊपर चंद्राकार घंट धारण किया और इस घंट की ध्वनि से सबकी मानसिक स्थिति को संतुलित किया। देवी का स्मरण है, पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं धनुजे मह्यं चंद्रघंटे दिविश्रुता। देवी के कपाल के ऊपर चंद्र के समान घंट धारण किया हुआ है और भिन्न भिन्न हस्तों के ऊपर आयु धारण किए हुए हैं और सिंह आसन आरूढ़ है, ऐसी है चंद्र घंटा देवी, हमारा कल्याण करें। हे चंद्रघंटा देवी, हमारे परिवार का कल्याण करें। नवरात्र के तीसरे दिन साधकों के लिए ये महत्वपूर्ण दिन माना गया है। तप करने के बाद देवी के स्वरूप में चित्त स्थिर रहता है और कहा गया है जिस साधक की स्थिति माँ के अंदर स्थिर होती है उसको इस दिन सुगंधित द्रव्यों की भास होता है और ये भास ये नहीं तो उनके आजू बाजू में रहे हुए लोग जान सकते हैं। इनके नौ हाथों में भिन्न भिन्न मुद्राएं धारण की हुई है। कहा जाता है कि इनके जो हाथ हैं वो अभय दान देने वाले हैं, त्रिशूल, गदा और कमंडल, ये सब चीजें हमें अलग अलग चिन्ह प्रदान करती हैं। दाहिने और बाएने हाथों में भिन्न भिन्न मुद्रा प्रदान करती है और
ये दोनों हाथ हमें कल्याणकारी है और अंतिम जो दसवां हाथ है वो अभय मुद्रा प्रदान करता है। दसवां हाथ अभय की मुद्रा यानी पूरे संसार में आपको भय नहीं लगता। साधक ये दसवें से तीन दिन अपनी साधना में सिद्ध हो गया तब अपने संसार में इस दुष्ट संसार में से उसे भय मुक्ति मिलती है यानी अभय वरदान मां प्रदान करती है। मां की स्तुति करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे चंद्रघंटा देवी हमारे जीवन में अभय प्राप्ति हो ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, हमारा सभी का कल्याण हो ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। चंद्रघंटा यही नमः।